जय हिंद दोस्तों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे घन और घनमूल से संबंधित दूसरे लेवल के सवाल। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने सीखा था घनमूल याद करना तथा घन कैसे निकाला जाता है। इस कक्षा में हम सीखेंगे उसके कुछ दूसरे लेवल के सवाल, जिसमें पहला हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है आपका, किसी घनाकार टंकी का आयतन किसी घनाकार टंकी का आयतन एक सौ पच्चीस मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। तो पूछा है कि टंकी की एक भुजा बताइए, टंकी की एक भुजा बताइए, मतलब भुजा की लंबाई, भुजा ज्ञात करें। सवाल है कि एक कोई टंकी है जिसका आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो टंकी का एक भुजा ज्ञात करें। अब टंकी होगा ऐसे, घनाकार है तो इस तरीके से होगा ना। तो एक भुजा ये पूछ दिया है, कोई एक भुजा, ये या कोई भी एक। ठीक है, इसे हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा ये। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें पता है कि घन है घनाकार, तो घन का आयतन क्या होगा, या घनाकार टंकी का यहाँ लिखेंगे, का आयतन बराबर फार्मूला है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। आयतन हमें दिया है 125 मीटर क्यूब, भुजा हमें ज्ञात करना, भुजा ऐसे लिख देंगे। अब इसको जब क्यूब को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक घनमूल निकल जाएगा, 125 करड़ी में हो जाएगा और तीन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब 125 का घनमूल कितना होगा, पाँच होगा, पाँच क्या या मीटर, क्योंकि ये मीटर क्यूब में था तो भुजा भी मीटर में आएगा। अब 125 का या तो आपको याद हो कि घनमूल किसका है, तो फिर निकाल लीजिए आप किसी भी विधि से। अब घनमूल में क्या होता था, तीन का जोड़ा बनता था, तो तीन का जोड़ा बना तो एक पाँच लिखेंगे, घनमूल इसका पाँच आया, तो इसलिए पाँच आंसर आ गया, आंसर आ गया 5 मीटर। इस तरीके से आपका सवाल लगेगा, सिंपल घनमूल का प्रयोग है, इसलिए ये घनमूल के चैप्टर में हमने आपको बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है, इसमें आपको दे देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, इससे गुणा करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि 1600 में 1600 में गुणा करने पर, उस संख्या का गुणा करने पर, जो संख्या ज्ञात करेंगे उसका गुणा करें 1600 में करने पर पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, क्या हो जाए, ये संख्या जो 1600 है इसका घनमूल निकल जाए, ऐसी कोई संख्या बताइए जिससे 1600 में गुणा करें और ये संख्या पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल विधि है, आपको गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए पहले 1600 का, 2 8 16 800, 2 4 8 400, 2 2 4 200, 2 1 2 100, 2 5 10 50, फिर इधर करिए 50 को, 2 2 4 2 5 10, 50 25, 5 1 5, 5। अब तीन तीन का जोड़ा बनाएं क्योंकि हमें घनमूल निकालना है, तीन का जोड़ा बना, तीन का जोड़ा बना, पाँच दो ही है, दो का जोड़ा हमारा कंप्लीट है, तीन तीन का, इधर तीन ये तीन, इधर दो, इधर एक, इधर पाँच, एक और होता
तो क्या होता है, यहाँ पाँच एक और होता तो ये घनमूल निकल जाता, लेकिन दो ही है, मतलब एक पाँच से अगर हम गुणा कर देंगे 1600 में तो क्या होगा, पाँच की ही कमी है ना, पाँच की गुणा की, जब इसका करते तो गुणा ही करके करते हम जुड़ा बनाते, तो पाँच की कमी है, इसलिए पाँच से गुणा करने पर 1600 पूर्ण घन बनेगा, ये उत्तर हो गया आपका, यहाँ लिख देंगे। अब इसे आप 1600 × 5 करके लिखेंगे तो 8000 आएगा। अब उत्तर को चेक करने के लिए चाहें तो 8000 घनमूल निकाल लीजिए, घनमूल इसका निकल जाएगा तो आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सवाल को करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, ये था आपका दूसरा सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 3, एक टाइप और है जो आपको इस कक्षा में बताते हैं। अगला सवाल जो है वह है, ढाई सौ में, तीसरा सवाल, 250 में एक संख्या है 250, 250 में किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 250 में किस संख्या से, उसमें था पिछले सवाल में गुणा करें, इसमें आ गया भाग करें, सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। 250 लिखेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, 50 = 25, 50 = 25, 5 × 5 = 5। अब देखेंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, घनमूल में तीन का जोड़ा बनता है, तीन बना एक, दो बच गया, या तो दो दो और आ जाए, या तो इस दो निकल जाए, ये दो निकलने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे, तो उत्तर आ गया कि दो से भाग देने, आंसर आपका दो आ गया, नीचे लिखेंगे, अतः दो से भाग देने में, देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि फिर 125 बचेगा, 125 का घनमूल आपका निकल रहा है 5। ठीक है, यही संख्या सवाल में होता कि किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए, तो एक दो है, दो दो और 2 × 2 करते आप 4, 4 से गुणा कर देंगे तब पूर्ण घन बन जाएगा, या 2 से भाग कर देंगे तब पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना है। ठीक है, आज इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है, आपको धीरे धीरे सीखते जाना है। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।